शुरू करते हैं हम अपने आज की लेक्चर सीरीज दैट इज ऑन मैट्रिसेस। यहाँ पर हम करने वाले हैं इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आपको पता ही होगा बोर्ड पैटर्न कि जो 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू आएंगे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं मैट्रिसेस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास वो है इफ ए इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा फाइंड ए अल्फा इंटू ए बीटा। तो जो आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ कैपिटल ए इक्वल्स टू हमारे पास एक मैट्रिक्स, फाइंड करनी है हमें वैल्यू यहाँ पर ए अल्फा इंटू ए बीटा की। क्लियर, ये जो एक्सप्रेशन है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके बताना है क्या आने वाली है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम करने के वाले हैं यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप। अगर मैं आपको बताऊँ स्टार्टिंग में, आपके पास कोई आइडिया है कैसे हम कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे वैल्यू ए अल्फा की। क्लियर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है एक्सप्रेशन में ए अल्फा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ए अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें पता है ए अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, कैपिटल ए मैट्रिक्स की, जो कि यहाँ क्वेश्चन में गिवेन है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है वहाँ पर हर जगह कौन सा एंगल यूज हो रहा है, थीटा, और हमें फाइंड करना है ए अल्फा। तो इसके लिए बस सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ जहाँ पर थीटा आ रहा है हम उसको रिप्लेस कर देंगे अल्फा एंगल से। क्लियर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए मैंने अल्फा लिख रखा है, इधर साइड भी मैंने क्या लिख रखा है अल्फा, हर जगह मैं क्या लिख दूंगा अल्फा। क्लियर, ये हो गया हमारा ए अल्फा। अब देखते हैं नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है टर्म हमारा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ए बीटा की। तो ए बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर अभी हमने अल्फा लिखा था वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे अब बीटा। अब देखिए नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। अब क्वेश्चन में क्या था बच्चों, फाइंड ए अल्फा इंटू ए बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है और इनमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें करना है टिक। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, देखिए ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए अल्फा ए बीटा हम निकाल चुके हैं, दोनों को रखा है यहाँ पर। अब हम दोनों का क्या करेंगे, यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब देखते हैं ये कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर मैंने ये कॉपी कर ली ए अल्फा ए बीटा अगेन। अब यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल था, अगर आपको याद हो, हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स से ली जाती है रो और सेकेंड मैट्रिक्स से लिया जाता है कॉलम। क्लियर, फर्स्ट कॉलम। तो जब आप इस रूल को अपनाएंगे यहाँ पर तो आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, कैसे देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए देखिए प्रोडक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए हम क्या लेंगे बच्चों, फर्स्ट रो। प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर लेंगे हम पहली मैट्रिक्स से फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स से लिया जाएगा यहाँ पर फर्स्ट कॉलम। क्लियर, जब हम इन दोनों मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए क्या आता है, कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करा जाएगा किसके साथ, कॉस बीटा के साथ। तो हमें मिलेगा यहाँ पर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। फिर उसके बाद आएगा साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा। क्लियर, और माइनस साइन बीटा के साथ जब हम इंटू करेंगे तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस एंड देन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। बिल्कुल यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है सारे एलिमेंट्स के लिए। अब आप फर्स्ट रो सेम रखेंगे, अब आ जाएंगे आप सेकेंड कॉलम में। क्लियर, और हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है मैट्रिक्स का। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर एक टर्म दिख रहा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए आप ध्यान से, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्या आपको कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है? देखिए ये एक आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस बी की, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कुछ एक्सप्रेशन जो है इससे मिलता जुलता है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हटा कर डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस, ए की जगह क्या कॉपी करेंगे अल्फा और बी की जगह कॉपी करेंगे बीटा। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है ये पर ऐसा नहीं है कुछ, आप देख सकते हैं फॉर्मूले में जो मैंने बॉक्स में लिख रखा है, ये फॉर्मूला इससे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि पहले में आ रहा है कॉस कॉस, यहाँ आ रहा है कॉस साइन। तो इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, इसके लिए ये नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस बी, तो देखिए इधर साइड लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे कंसिडर करिए साइन ए, ये रहा साइन ए है ना। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, इसको मान लेते हैं ए इंटू कॉस बी, क्लियर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, प्लस कॉस ए, फिर ये एंगल रिवर्स हो जाएगा एंड देन साइन बी। क्लियर, ऐसे बिल्कुल नीचे जो दो एक्सप्रेशन लिखे हुए उनमें भी आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पर आप पहले माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन लेके अगेन साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ जो लिखी हुई है आइडेंटिटी, इसको थोड़ा रिवर्स देखिए, यहाँ से रिवर्स जब आप देखेंगे तो रिवर्स में देखिए कॉस ए कॉस बी ये लिखा हुआ, फिर ये माइनस साइन ए साइन बी, ये बिल्कुल ऊपर वाली आइडेंटिटी है कॉस ए प्लस बी की।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, ये जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा एंड देन कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये माइनस कहाँ से आया, इस माइनस को कॉमन लेकर। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हर एक जो एंगल लिखा हुआ है ना, एक मिनट में मार्कर ले लूँ अपना। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल लिखे हुए है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एलिमेंट्स हैं सब में देखिए अल्फा प्लस बीटा, इधर भी अल्फा प्लस बीटा और इधर भी अल्फा प्लस बीटा सेम। अब यहाँ पर ये एंगल सेम है। अभी हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, अगर हमारे पास ए अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ए अल्फा के लिए हम क्या कर रहे थे, जो मैट्रिक्स थी उसमें हम हर जगह क्या यूज कर रहे थे, थीटा की जगह अल्फा। क्लियर। अब बिल्कुल सेम देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बिल्कुल ए मैट्रिक्स से मैच खाती हुई मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पे पहली बात तो लिख सकता हूँ ए। क्लियर। क्योंकि उस ए मैट्रिक्स में हमारे पास आ रहा था यहाँ कॉस साइन माइनस साइन कॉस। अब बात अलग है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा एंगल यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस अल्फा प्लस बीटा एंगल को यहाँ ए अल्फा प्लस बीटा बोल देंगे। क्लियर। तो इसलिए अब जो हमारी फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगी एक्सप्रेशन फॉर्म में, वो क्या बनेगी, ए अल्फा प्लस बीटा। देख सकते हैं आप रिजल्ट। तो अब इसको मैच करते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, बी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू में है हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे, ये जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट, यहाँ पर ये जो ए आई जे उसका एक्सप्रेशन दे रखा है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। अब हमें बताना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, नल और आइडेंटिटी। तो इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी सिंपल है बच्चों, इसको सॉल्व करके मैं आपको अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर के अंदर क्या कंडीशन होती है, हमारे पास मान लीजिए, देखिए हमारे पास सपोज करिए एक मैट्रिक्स है जनरल, है ना, उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या होता है, सेम, अगर 2x2 है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 है तो ये भी स्क्वायर है क्योंकि m और n इक्वल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने यहाँ लिखा m इक्वल टू n, ये है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल। अब उसके बाद देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे इन जनरल फॉर्म। अब मैंने यहाँ पर सबसे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली 2x2 की। क्लियर। अब 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स लेने के बाद हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। 2x2 के लिए हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स a11, a12, a21 एंड a22। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1x1 ये जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं a11, 12, 21, 22, इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है, aij इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। अब देखते हैं कैसे फाइंड करी जा सकती है वैल्यू। सबसे पहले हमें फर्स्ट एलिमेंट निकालना पड़ेगा a11, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक्सप्रेशन है aij इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। अब a11 के लिए बच्चों ये जो पहला एलिमेंट लिखा हुआ है 1 ही होता है आई की वैल्यू, और जो सेकंड 1 है वो ये होता है जे की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, आई और जे हमें पता लग चुका है दैट इज 1 1, अब इनको हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो देखते हैं किस तरह से पुट होता है। तो देखिए एक्सप्रेशन में डायरेक्ट आई की जगह 1 और जे की जगह 1 कॉपी कर दिया तो हमें एलिमेंट मिला 0। नेक्स्ट a12 के लिए आई तो हो गया 1 इस बार और जे हो गया 2, तो यहाँ जैसे एक्सप्रेशन में रखेंगे हमें एलिमेंट मिल गया -3। उसके बाद a21 निकालेंगे इसी तरह से, और a21 निकालेंगे उसी तरह से a22। अब इसके बाद देखिए मैट्रिक्स में एलिमेंट सारे रख दिए जाएंगे a11, 12 से लेकर 22 तक, सब हमने कॉपी कर दिए। अब बात आती है ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें तो कोई मैट्रिक्स बनती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही, आइडेंटिटी ये है नहीं क्योंकि आइडेंटिटी में होता है 1001, नल मैट्रिक्स भी नहीं है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हम यहाँ थोड़ा सा फंस जाते हैं बच्चों कि ये कैसे हो सकती हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है, जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करना हो तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम करते हैं ट्रांसपोज। तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने क्या करा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए, यानी सिमेट्रिक है इसकी सिमेट्रिक में से कोई है या नहीं, तो मैं सबसे पहले जो मैट्रिक्स आई है ए उसका निकालता हूँ ट्रांसपोज। तो देखिए at बराबर t लगा दिया ट्रांसपोज के लिए। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं बच्चों, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट रो होती है इसको हम लिखते हैं कॉलम वाइज। बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है टाइपिंग में थोड़ी सी, यहाँ पर आप 3 यूज करना, क्लियर, ये 1 नहीं है 3 है। तो देखिए 0-3 था इसको कॉलम वाइज लिख दिया 0-3, सेम जो R2 है 3-0 उसको कॉलम वाइज लिख देंगे 3-0। इस तरीके से होता है ट्रांसपोज, ये आपको आता ही होगा। क्लियर। अब देखिए अब उसके बाद हमने क्या देखा, ए मैट्रिक्स और जरा आप ए ट्रांसपोज को मैच करिए ध्यान से। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना, हाँ तो देखिए बच्चों ये जो लिखी हुई है ना बच्चों, ये ए मैट्रिक्स है, अभी अभी इसका ट्रांसपोज तो हुआ नहीं है,
ट्रांसपोज करने के बाद आइए ये मैट्रिक्स, क्लियर। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ है जीरो, चलिए जीरो है, यहाँ माइनस थ्री है, यहाँ प्लस थ्री है, यहाँ थ्री है, यहाँ माइनस थ्री है। तो आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर प्लस के एलिमेंट ए में थे, ट्रांसपोज में वहाँ माइनस के आ रहे हैं, तो ये कंडीशन किस में बनती है? सिर्फ और सिर्फ इसकी सिमेट्रिक में। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो हैंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो आप करेंगे क्या, यहाँ पर टिक जो करेंगे वो किस ऑप्शन को टिक करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, एक कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स आई जीरो जीरो आई, फाइंड ए टू द पावर फोर एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों 2007 ऑल इंडिया में, तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ये इसकी चार ऑप्शन है, करेक्ट वन को करना है हमें टिक। देखिए इसको करने के लिए कोई लॉजिक है आपके पास? चलिए लॉजिक की बात करें तो एक मेरे पास लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए सबसे पहले बच्चों आप क्या कर सकते हैं, ये जो गिवन एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ए टू द पावर फोर एन, इस एक्सप्रेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 इंटू एन है, तो आपने क्या करा, 4 को अंदर लिख लिया, n को बाहर भेज दिया, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है कैपिटल A, इसमें से हम i कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कॉमन लेना आता ही है। इस मैट्रिक्स में से जैसे आप i कॉमन लेंगे तो i आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, 1001। अब आपने क्या ये मैट्रिक्स कहीं देखी है 1001? ज़रूर देखी होगी अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ी है तो। 1001 बच्चे होती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं आई, और कितने ऑर्डर की है 2x2, तो हम इसे लिखेंगे आई टू, नीचे क्या लिखा जाता है उसका ऑर्डर। अब देखिए उसके बाद बच्चों ए की पावर 4 टू द होल पावर एन, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये दोनों एक ही बात है। अब देखिए ए टू द पावर 4, ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है आई स्मॉल आई इंटू कैपिटल आई, इसको आप यहाँ रख दीजिए स्मॉल आई इंटू कैपिटल आई द होल पावर 4 एंड देन कंप्लीट पावर एन। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, जो अंदर स्मॉल ब्रैकेट है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए अंदर आ जाएगा आई की पावर 4 इंटू, हाँ बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ भी एक मिस्टेक है छोटा सा, आई टू द पावर 4 हो गया है, यहाँ पर भी कैपिटल आई टू द पावर 4 आएगा, है ना। आप यहाँ क्या लिखेंगे 4, इतना तो आपको आता ही है बच्चों, यहाँ पर जल्दबाजी में थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है तो टाइपिंग में मिस्टेक चलता है ना, पर लाइफ में मिस्टेक भी चलेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए I टू द पावर 4 कैपिटल I टू द पावर 4 टू द होल पावर n। अब हमें ये पता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर में I टू द पावर 4 इक्वल टू होता है 1। अगर चाहते हैं कैसे होता है तो यू कैन कमेंट मी, भैया ये बताइए जरा ये कैसे आता है, आपको इतना तो आता ही होगा, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, I टू द पावर 4 को लिखा 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 4 है, क्लियर। ये भी आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स में, आपके टीचर्स लोगों ने पढ़ाया होगा कि यहाँ पर I टू द पावर 4, क्लियर, यहाँ पर भी 4 करिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कितनी भी हो वो हमेशा रिजल्ट में I देती है, क्लियर। तो I टू द पावर 4 को हटा के क्या लिखेंगे, I टू द होल पावर n। अब देखिए 1 इंटू आई क्या हो जाएगा, I, और I की पावर n, अगेन I की पावर कितनी भी हो बच्चों आप ध्यान रखिए I आता है हमेशा रिजल्ट, सेम जैसे का वैसा, सही है। I की पावर कितनी भी हो हमेशा कैपिटल I, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का I, क्लियर, कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो I की पावर 4 ही 1 होता है, सही है। तो यहाँ पर हमें क्या आंसर मिला, कैपिटल आई, कैपिटल आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो कौन सा ऑप्शन है, बी, ये ऐसे करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है कैपिटल ए, ये जो मैट्रिक्स है ना बच्चों ये स्क्वायर रूट है एक 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, क्लियर। ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये क्या है, एक स्क्वायर रूट है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो हमें रिलेशन बताना है स्मॉल लेटर्स ए बी सी में क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले जो गिविंग कंडीशन थी वो मैंने यहाँ लिखी, ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई, यही हमें दे रखा है मैट्रिक्स जो है स्क्वायर रूट आइडेंटिटी का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी एक तरफ स्क्वायर रूट हो उसे हटाने के लिए बेस्ट होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अब उसके बाद देखिए बच्चों ए स्क्वायर यानी हमें ए मैट्रिक्स पता है तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए इंटू ए बराबर में आई कॉपी कर दिया, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है, क्लियर। यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहली मैट्रिक्स से फर्स्ट रो एंड देन सेकेंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे सारे एलिमेंट।
अगर बच्चों आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है, उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल, एक मिनट मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए ये जो ए बी ए प्लस का ए बी है, ये माइनस का ए बी, ए कैंसिल आउट ईच अदर, सेम ए सी एंड देन माइनस ए सी कैंसिल आउट ईच अदर, तो हमारे पास जो बनेगा एक्सप्रेशन वो कुछ ये होगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी जीरो जीरो एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी सी। क्लियर, यहाँ पे ये ए स्क्वायर है बच्चों, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 1001। यहाँ तक आ चुके हैं। अब देखिए रिलेशन निकालने के लिए बहुत सिंपल होता है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स का, इसको आप इक्वल रख देंगे सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अब देखिए इसको इक्वल रखने पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 1 हो गया, और 1 को हम किधर लिया है लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास रिलेशन कुछ आया है ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर आई थिंक बी में आ रहा है। क्लियर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक मैट्रिक्स 0 2 0 0, एक फंक्शन गिवेन है 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 16। फाइंड करना है हमें फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू, यानी फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर कोई क्लू है आपके पास, मेरे पास है, मैं बताता हूँ क्या। देखिए सबसे पहले ये जो फंक्शन दे रखा था ना, ये एक्स वेरिएबल में था, इसको अगर आपको एफ ए लिखना है तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ कैपिटल ए रिप्लेस कर देंगे एक्स की जगह, इतना हो चुका है। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर ये जो कैपिटल ए है ये तो हमें गिवन है, पर ए स्क्वायर हमें नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे पहले, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ए स्क्वायर, हमें यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं दे रखा, ए दे रखा है, तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं बच्चों। तो देखिए कैसे, तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, दो बार मैट्रिक्स लिखी, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 0। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 0। अब बात आती है ए फोर कैसे निकलेगा, तो ए फोर भी सिंपल है, ए फोर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, सेम ए टू द पावर 8 भी कितना आएगा 0, इसको भी हम लिख सकते हैं 8 को ब्रेक करके 2 × 4 में, तो ये भी हमें कितना मिलने वाला है 0। सेम 16 के लिए वो भी कितना मिलेगा 0। अब देखिए ए स्क्वायर से लेके ए 16 तक सारी वैल्यू 0 है, तो ये बहुत सिंपल हो चुका है। अब इतना देखिए यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फंक्शन ऑफ ए की। तो यहाँ पर अभी हमने देखा ए स्क्वायर 0, ए 4 0, ए 8 0, ए 16 0, बस बचा क्या 1 + a। 1 को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर, आई। अब यहाँ पर आई की वैल्यू कॉपी कर देते हैं और कैपिटल ए जो गिवन मैट्रिक्स है वो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद हमें कुछ 6 मैट्रिक्स मिलेगी और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इफ कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स फाइंड ए टू द पावर 16। अब देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें मल्टीप्लाई 16 टाइम्स करना होगा, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसमें लॉजिक क्या है। सबसे पहले आप ए की पावर 16 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 8 में कर सकते हैं, कर लिया ओके। अब यहाँ पर पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर देखिए दोनों मैट्रिक्स लिखी, प्रोडक्ट किया तो हमें ए स्क्वायर क्या मिली, एक नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट 0 हैं तो हमें ए स्क्वायर मिला 0। अब 0 को जब आप यहाँ पुट करेंगे, देखिए ए की पावर 16 इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 0 टू द होल पावर 8, तो कितना आने वाला है 0 आएगा ऑब्वियस है। तो जब भी किसी कोई भी हाई पावर आए किसी मैट्रिक्स की, तो आप उसे ब्रेक करिए स्क्वायर इंटू समथिंग में, और जब ए स्क्वायर निकला है उसे चेक करिए, अगर 0 आ रहा है तो आंसर टोटली 0 होने वाला है। क्लियर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें अगेन एक मैट्रिक्स गिवन है, ये जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये गिवन है, तो हमें बताना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो गिविन कंडीशन से हम सॉल्व करना सीखेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैंने इक्वेट कर दिया 1001 के इस मैट्रिक्स को। इक्वेट करने के बाद क्या होता है, सिंपल स्टेप, हर एलिमेंट को कंपेयर करिए सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट से, तो कॉस 3 अल्फा इक्वल टू 1 मिलेगा, और दूसरी साइड से भी कंपेयर करते चलिए साइन 3 बीटा इक्वल टू क्या है 0, वो मैंने इधर लिख दिया है। क्लियर, अब देखिए कॉस 3 अल्फा इक्वल टू 1, 1 जो होती है बच्चों कॉस में कितने की वैल्यू होती है, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो 1 को लिखा मैंने कॉस 0, इधर है कॉस 3 अल्फा, कंपेयरिंग करेंगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा 0। सेम इधर देखिए साइन 3 बीटा इक्वल टू 0 है, 0 होती है साइन 90 की वैल्यू, तो यहाँ पर साइन 3 बीटा बराबर साइन 90, 90 को रेडियन में लिखा है दैट इज पाई बाई 2, तो 3 बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 कंपेयरिंग कर लिया तो बीटा हमें मिलेगा पाई बाई 6, तो ये होंगे हमारे आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों क्या, इसे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है,
एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है कैपिटल ए आई जी, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्लियर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई आई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप ध्यान से देखिए, पहली बात ये कौन सी मैट्रिक्स गिवन है हमें, एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक में कुछ कंडीशंस पता है क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में पहली कंडीशन थी कि उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम्स ऑफ ए आता है, क्लियर। ये कंडीशन थी, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस टाइम्स ऑफ ए आए तो वो स्क्यू होती है। दूसरी कंडीशन थी कि स्क्यू में क्या होता है बच्चों, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। ऑलवेज फॉर स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज क्या होते हैं बच्चों, यहाँ जीरो, क्लियर। फिर आपको कंडीशन ध्यान रखनी है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, जनरल फॉर्म में डायगोनल एलिमेंट्स लिखे जाते हैं a11, क्लियर, a22, a33, ये सब जो होते हैं डायगोनल वाइज आते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, स्क्यू सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स है तो ये सब क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसमें ये सब क्या होंगे, जीरो। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो समीशन वाला एक्सप्रेशन दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर जे नहीं है, यहाँ पर बच्चों आई है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले इस समीशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी मैंने देखिए लिख रखा है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स बिकॉज इन डायगोनल आई इक्वल टू जी होता है, सिंपल 1 1 है, यानी आई और जी इक्वल होते हैं। अब देखिए समीशन को ओपन करते हैं, आई की वैल्यू पहले 1 रखिए तो ये हो जाएगा a11, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 तो a22, प्लस लगता चलेगा क्योंकि समीशन प्लस सीरीज के लिए होता है, a33 एंड सो ऑन अप टू जाएगा ann। अब हमने देख लिया कि यहाँ पर इसकी सिमेट्रिक में सभी डायगोनल जीरो होते हैं तो इन सबकी वैल्यू जीरो होगी, सिंपल है। सबकी वैल्यू देखिए यहाँ जीरो लिख दी मैंने, तो जीरो को कितनी भी टाइम्स ऐड करिए, सिंपल जीरो आने वाला है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जीरो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमें गिवन है कैपिटल ए, एंड एक एक्सप्रेशन भी गिवन है a^100 इक्वल टू 2k(a)। अब हमें इसमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो देखिए कैसे फाइंड करा जा सकता है ये वैल्यू को, यहाँ पर सबसे पहले ये ऑप्शन गिवन है, क्लियर। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a^100 इक्वल टू 2k(a), इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो a^100 है ना बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके आपको दिखाता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं a^2, यानी a² लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर हम क्या ऐड कर सकते हैं, 50, क्लियर। अगर आपको 100 को ब्रेक करना है तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं a^100 को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, a², a^100 हम नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, इसको ब्रेक करके हम पहले क्या निकालेंगे, a². देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है a² फाइंड करते हैं। a² के लिए दोनों मैट्रिक्स को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा सारे एलिमेंट 2 2 2 2, क्लियर। अब उसके बाद देखिए a² हमें मिल चुका है, इसके बाद क्या करने वाले हैं, a² हमारे पास आ ही चुका है। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए a² में मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ जो कि हेल्प करेगा आगे। इस मैट्रिक्स में से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिए, सारे क्या बचेंगे, 1s। अब आप ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन में ये जो है एक मैट्रिक्स है a, क्लियर, इसको हमने लिख दिया a। अब स्क्वायर की जो वैल्यू मिली ना बच्चों, वो क्या मिली, 2^1 a। अब ऐसे ही बिल्कुल आप a³ निकालिए, क्योंकि 100 निकालना है हमें a^100, तो हम थोड़ा सा एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पैटर्न। a³ अगर हम निकालते तो a² a लिख सकते हैं a³ को, a² की वैल्यू हमें पता है, ऊपर से कॉपी कर ली और a की वैल्यू गिवन है। अब दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स आएगी 4 4 4 4, सारे एलिमेंट 4, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2², सारे एलिमेंट्स क्या बचेंगे, 1, और ये अगेन बच्चों क्या है, a मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अब हमें a³ कितना मिला, 2^2 a। तो आप एक पैटर्न ध्यान से देखिए, a² जब आपने निकाला तो आपको 2^1 मिली, एक कम, क्लियर, और जब आपने a³ निकाला तो आपको 2^2 मिली, क्लियर, यानी एक कम पावर मिल रही है, जितनी भी आप पावर निकाल रहे हैं उसमें 2^1 एक कम मिल रही है ना। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे a^4 जब आप 4 निकालेंगे तो एक कम पावर मिलेगी उससे 3, a^5 में भी एक कम पावर 4, एंड सो ऑन। अगर 100 पे हम पहुंच जाएं तो हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को देखते हुए a^100 अगर हमें निकालनी है तो एक पावर कम करनी पड़ेगी, दैट इज 99। तो हमें सिंपल मिल गई a^100 कितना हो गया, 2^99 a, ये इसकी वैल्यू आ चुकी है। पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने देखी सीरीज ये बन रही है, तो हमने उसको कंपेयर करके वहां से ले लिया। अब देखिए ये जो इक्वेशन 1 हमने मानी थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, अब a^100 की जगह आप बच्चों क्या लिखेंगे, 2^99 a लिख सकते हैं, इक्वल टू ये है ये सेम। अब a से ये कैंसिल आउट हो गया, अब आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 99। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो k की वैल्यू क्या है, 99।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो लेक्चर। इस क्वेश्चन में क्या है, ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये कंडीशन गिवन है। फाइंड हमें करनी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू और करेक्ट वन ऑप्शन को करना है इसमें टिक। तो देखिए सबसे पहले ये काफी सिंपल आप लोग कर सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप आई प्लस ए टू द होल स्क्वायर पहले ओपन करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्लियर, यहाँ पे 2ab लिखा हुआ है। आइडेंटिटी मैंने पूरी ओपन कर दी यहाँ से लेके यहाँ तक और ये माइनस थ्री एज इट इज कॉपी कर लिया। अब देखिए अब हमें ये पता होता है क्या, यहाँ आ रहा है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर हमें पता होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी बार मल्टीप्लाई करो आई मिलता है रिजल्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने आई लिख दिया आई स्क्वायर की जगह और ये बाकी पूरा ऐसे ही कॉपी करा। अब देखिए अब उसके बाद ये बच्चों आपको ध्यान रखना है एक और कंसेप्ट यहाँ पर, क्या कि जब भी किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करा जाता है तो सेम मैट्रिक्स आ जाती है लॉट करके। तो यहाँ पर आई एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज और आई इंटू ए को क्या लिख देंगे आप, ए माइनस थ्री ए। अब आप इन दोनों को मर्ज करिए यानी टू ए माइनस थ्री ए कितना हो जाएगा, माइनस का ए। अब हमारे पास जो ये जो एक्सप्रेशन आया, क्लियर, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन का। अब आप देख सकते हैं हमें जो क्वेश्चन में गिविन था वो क्या गिविन था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में यानी इक्वेशन वन में ए स्क्वायर आ रहा है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए और ये ए और एक दूसरे को क्या कर देगा, नलीफाई। तो हमें जो आंसर मिलेगा बच्चों को क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज आई। तो आज की वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अगर आप चाहते हैं कोई भी कंसेप्ट सीखना, चाहे वो मैथ्स का हो या फिजिक्स का, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता हो मैं आपको एकदम इजी वे में उसे समझा सकता हूँ, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें।